विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आजकल 5 दिवसीय नववर्ष मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मेला 2 जनवरी तक चलेगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल से अपने नववर्ष का आगाज करने के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ फेक तस्वीरों ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशान कर दिया है। इन फोटो में दिखाया गया है कि बाघ और शेर के द्वारा हिमाचल के नैना देवी के जंगलों में लोगों पर हमला करके उन्हें मारा जा रहा है और नैना देवी क्षेत्र में बाघ का कहर है। ऐसे फोटो जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं फेक हैं। नैना देवी में नववर्ष मेले के पुलिस मेला अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि ये फोटो जो वायरल हो रहे हैं वो फेक हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ये वायरल तस्वीरें नैना देवी की नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वह अपना नववर्ष मनाने के लिए बेझिझक नैना देवी पहुंचे और नववर्ष पर मां नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नैना देवी जी में एक कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें एक बाघ दिखाया गया है, तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे बाघ या शेर नहीं पाए जाते हैं। और ये जो मैसेजेस हैं, ये जो फोटोज हैं, पिछले कोई 5-7 दिन से यहाँ पे वायरल हुए पड़े हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई है और ये जो भी कुछ मैसेज फैले हुए हैं वो झूठे हैं और इनमें कोई भी सत्यता नहीं है। नहीं तो हमें कोई ना कोई जानकारी मिली होती। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का शेर या बाघ नहीं पाए जाते। तो मेरी लोगों से विनती है कि जो भी ये मैसेज फैला रहे हैं वो ना फैलाएं और यहाँ माता के दर्शन के लिए आए और निश्चिंत होकर आए। इसके अलावा पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने भी बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर ऐसी चीते के हमले की तस्वीरें मिली हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी शरारती तत्व का काम है ताकि नववर्ष मनाने नैना देवी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशान किया जा सके। जेडी पंजाब दे विच अफवाह वाली आ वी इत्थे नैना देवी शेर आ गया जी, शेर आ गया। ये शेर किते होर आया होगा जी, माता दे नेड़े तेड़े है नहीं। मैनू अज 5 दिन होए ने आए नू, मैं तां ना कोई शेर ना कोई इत्थे शेर दी गल सुनी आ। सारी संगत नू मैं हथ जोड़ के बेनती करदा कि नवां साल मनाउण लई फटाफट माता जी के दर्शन करना हो। इत्थे कोई शेर नहीं, कोई गल नहीं, अफवाह आई हुई है लोगों की। मैं थोनू सारिया नू बेनती करदा, जगतार सिंह चज भारत सिंह रहने वाला, कि इत्थे कोई शेर नहीं, कोई चिट्टा नहीं, कुछ नहीं हैगा। लोगों ने ना हुई अफवाह बना दिंदे ने भी लोग डरते जान ना। थोनू मैं हथ जोड़ के कहना कि नवा साल मनाउण लई सारी संगत नू बेनती करदा कि पंजाब दी, हरियाणा, हिमाचल सारे आके माता जी के दरबार से आके ये खुशियां मनाओ। जय माता दी। मैं इतने पंडित जी ने फोन करके पता किया इतने कोई शेर दी है ज्यादा कोई, वो कहते इतने कोई शेर नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ अफवाह आई हुई है कि लोग इतने नवा साल मनाने वास्ते ना आन। मेरी शरारती आंसर हम बेनती है कि यह फोटो सोशल मीडिया उत्ते वायरल ना कर। जय माता। जबकि स्थानीय पुजारी बिक्की शर्मा और सीताराम शर्मा का कहना है कि उन्हें कई श्रद्धालुओं ने पंजाब और हरियाणा से फोन करके पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी कोई घटना यहां नहीं हुई है। आप आराम से बिना किसी डर के माता नैना देवी आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। मेरे पास पंजाब से बहुत श्रद्धालुओं से फोन आ रहे हैं। बरनाला से खास फोन आया था कि नैना देवी में कोई बाघ आदमी खा लिए हैं, पर ये सारी जो फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी फेंक है। ये कहीं और घटना हुई और सबने यहाँ नैना देवी का नाम डाल के फेंक बनाई हुई है। जय माता की। ये जो एक व्हाट्सएप पर शेर आया और उसने 4-5 आदमी को खा लिया है, ये खबर एकदम गलत है और नैना देवी की है। तो नैना देवी की ये खबर नहीं है। मेरे पास लुधियाना से और कई जगहों से फोन आ रहे हैं और मैंने उनको भी कहा कि ये अपने सभी लोगों को ये खबर बता दी जाए कि ये जो खबर जो है एकदम गलत है और ये ना जाने पता नहीं कहाँ से फोटो लेकर उन्होंने डाले हैं। इसलिए मैं सभी से आने वाले नैना देवी में आने वाले यात्रियों से निवेदन करता हूँ कि इसी खबर का ध्यान ना दें।